नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपको प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में यहाँ से जानकारी दे रहे हैं। इसके पहले हम उनकी इसी कहानी यानी दो बैलों की कथा का सार आपको बता चुके हैं। प्रश्न जो है वो स्क्रीन पर आएंगे और उनके उत्तर मैं आपको यहां से दूंगा। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर पहला प्रश्न, जो कि है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो बहुत सरल सा उत्तर है इसका कि कांजी हाउस में जो आवारा पशुओं को सड़क से उठाकर बंद किया जाता है, उनकी रोज हाजिरी इसलिए ली जाती है ताकि ये पता चल सके कि उनमें से कोई कम तो नहीं हो गया, कोई भाग तो नहीं गया, या कोई और कारण से कोई बीमार या मृत्यु इत्यादि का शिकार तो नहीं हो गया। और अब दूसरा प्रश्न फिर से आपके सामने स्क्रीन पर, और उसका उत्तर है कि छोटी बच्ची के प्रति बैलों के मन में प्रेम इसलिए उमड़ आया था क्योंकि वह बच्ची अपनी माँ को खो चुकी थी, उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और वह भैरों की बेटी थी। भैरों ने दूसरी शादी कर ली थी, सौतेली माँ उसे भी तरह तरह से तंग करती थी, बैलों को भी उसी तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से बच्ची का बैलों के प्रति एक अनुराग था और वह उन्हें रोज अपने भोजन में से बचाकर एक एक रोटी लाकर खिला देती थी। उस रोटी से बैलों का पेट तो नहीं भरता था परंतु उन्हें इसका बड़ा संतोष और प्रेम रस इससे मिलता था। यहाँ एक बात मैं आपके लिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस कहानी में झूरी काछी का जो साला है, जिसका नाम ज़्यादातर गया लिखा गया है कहानी में, पर कुछ स्थानों पर उसे भैरों भी कहा गया है। तो हम चाहे भैरों कहें या गया कहें, उसका तात्पर्य है झूरी काछी का साला जो बैलों को उधार ले गया था काम कराने के लिए। और अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और इसका उत्तर इस प्रकार है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कुछ नीति विषयक बातें उभर कर सामने आई हैं, वे इस प्रकार हैं। पहला ये कि बहुत ज़्यादा सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा ये कि जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीधा और मेहनत करने वाला जानवर वही होता है। फिर तीसरा कि इसमें लेखक ने बैल के माध्यम से कुछ नीति विषयक बातें कहलाई हैं, उनको भी हम देख सकते हैं कि एक जगह एक बैल कहता है कि यह यदि हम अपना धर्म छोड़ दें, भले ही कोई दूसरा अपना धर्म छोड़ दे पर हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। फिर एक स्थान पर एक बैलों का कहना है कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। और बैल का ही एक स्थान पर यह संवाद है कि जोर मारता ही रहूंगा चाहे कितने ही बंधन हो जाएं, यानी बंधनों से स्वाधीन होने की उसके अंदर तीव्र भावना है। फिर एक जगह वह कहता है अगर तुम विपत्ति में पड़ गए तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। अर्थात बैल दूसरे साथी की विपत्ति में उसके साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहता है, हमें भी खड़ा रहना चाहिए, इस नीति विषयक जो भाव है उसका यह है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, इसका उत्तर इस प्रकार है कि प्रेमचंद जी ने जिन नए अर्थ की ओर संकेत किया है वे इस प्रकार हैं। पहला, ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सब गधे में पराकाष्ठा में पहुंच गए हैं।
यह एक तरह का हास्यपूर्ण भी कथन है और करुणापूर्ण भी है कि ऋषि मुनि जिस तरह से वे संसार के माया मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनका जो जीवन है वह स्थिति प्रज्ञ जैसा हो जाता है, किसी भी तरह से वो विचलित नहीं होते, तो गधा जो प्राणी है हम उसमें भी यही सब देखते हैं। दूसरा है कि गधा ही एक ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है, बहुत सहनशील है। और तीसरा, कभी उसे खुश होते नहीं देखा, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद हमेशा छाया रहता है। विषाद यानी एक तरह का उदासी, एक तरह का दुख। अगर आप गधे के चेहरे की ओर देखें तो वो आपको बड़ा दुखी दुखी सा दिखाई देगा। क्षमा कीजिए। और अब प्रश्न पांचवा स्क्रीन पर आपके सामने, इसका उत्तर है कि जिन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी वे इस प्रकार है। पहली घटना, अपनी ताकत से कई गुना ज्यादा ताकत वाले सांड से दोनों बैल लड़ाई हो जाने पर एक रणनीति बनाते हैं और दोनों मिलकर उसे हरा देते हैं। दूसरी घटना, जब दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं तो दोनों ज्यादा से ज्यादा बोझ स्वयं झेलने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे को ज्यादा बोझ न आने पाए। इस तरह वो एक दूसरे के प्रति जो उनके मन में प्रेम है वो झलकता है। तीसरी घटना है कि जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर उन बैलों को ले जाने के लिए घेर लिया तब हीरा बचकर निकल गया था, लेकिन मोती पकड़ गया था इसलिए हीरा भी लौटकर साथ में आ गया, क्योंकि वह विपत्ति में अपने साथी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। चौथी घटना है कि कांजी हाउस की दीवार टूटने पर हीरा तो भागने से मना कर दिया, तो अक्सर अवसर होने पर भी मोती उसे छोड़कर नहीं जाता। और अब प्रश्न छठवां आएगा सामने आपके स्क्रीन पर और उसका उत्तर इस प्रकार है। प्रेमचंद जी के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना है और वो किसी भी लेखक को किसी भी भले व्यक्ति के मन में स्वाभाविक रूप से होती है कि स्त्रियों के प्रति मान सम्मान हमारे मन में हो, ये सभ्य समाज की पहचान भी है। असभ्य समाज ही अपने समाज की स्त्रियों, बच्चों, पशुओं, जानवरों, पक्षियों पर अत्याचार करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेमचंद के दृष्टिकोण को अगर देखें तो उन्होंने अपनी कहानी में यही बात जानवरों के जीवन में भी घटित होते हुए दिखाई है, और जो इस बात का संकेत देती है कि अगर जानवर ऐसा कर सकते हैं तो मनुष्य ऐसा क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि एक जगह बैल कहता है कि औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए, अर्थात स्त्रियों को के ऊपर जो है हमको आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो इससे प्रेमचंद जी का स्त्री समाज के प्रति एक उदार आदर और सम्मान का जो भाव है वो प्रकट होता है। और अब प्रश्न सातवां आपके सामने स्क्रीन पर और उसका उत्तर इस तरह से है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में इस तरह से व्यक्त किया गया है। हीरा और मोती नाम के दोनों बैल झूरी काछी के बैल हैं। वह उन बैलों से प्रेम करता है, उनके शरीर को सहलाता है, खरहरा करता है, उन्हें खाने पीने के लिए समय पर अच्छा भोजन देता है, सूखा चारा भर नहीं देता, उसमें खली चुनी इत्यादि और ऐसी चीजें मिलाता है जिससे उनके भोजन में कुछ रस पैदा हो। बदले में बैल भी उससे बहुत लगाव रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसके इशारे पर, संकेत पर
जो भी काम वह कराना चाहता है खुशी खुशी करते हैं। किसी तरह का काम न करने से वो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते। तो ये पशुओं और मनुष्य का एक पारस्परिक प्रेम है। और अब प्रश्न आठवां आपके सामने स्क्रीन पर, और हम यहां उसका उत्तर आपको देंगे। इसका उत्तर है कि इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं कि वह परोपकारी जीव है। जिस मित्र हित के लिए वो अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाता है। वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं पहले निकल भागने का अवसर होने पर भी वह भागता नहीं, अपने साथी को भी विपत्ति से मुक्त कराने या उसी के साथ स्वयं भी विपत्ति भोगने के लिए तैयार रहता है। इसके अलावा एक और गुण हमें दिखाई देता है कि वह साहसी भी। और अब है प्रश्न नौवां, इसमें आशय स्पष्ट करना है। तो जो का है उसका आशय हम इस तरह स्पष्ट करेंगे। इस कथन का आशय यह है कि पशुओं में मनुष्य की तुलना में कहीं ज्यादा गुण और भावनाएं होती हैं। मनुष्य समस्त जीवों में अपनी श्रेष्ठता का दावा तो करता है, परंतु वह स्वार्थ और भेदभाव जैसे दुर्गुणों से भी भरा हुआ है, जबकि हम पशुओं में ऐसा नहीं पाते। फिर खा आपके सामने स्क्रीन पर आएगा और उसका आशय मैं यहां से बताऊंगा। आशय है कि बालिका के द्वारा अपने भोजन से बचाकर दी गई एक ही रोटी से बैलों का पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु सहृदयता के कारण बैलों को संतोष जरूर मिलता था, एक स्नेह मिलता था। स्नेह से जो शरीर के अंदर एक आनंद प्राप्त अनुभूति होती है वो उन्हें उस लड़की के द्वारा दी गई एक रोटी से होता था। अब है प्रश्न दसवां, इसमें कुछ चार पांच उत्तर हैं, इनमें से सही उत्तर पर टिक करना है। तो पहले प्रश्न को देख लीजिए। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा चारा खाने के लिए दिया क्योंकि, अब यहां फिर गया नाम आया है कहानी में, एक जगह भैरव है और कई जगहों पर गया है, तो जब भी चाहे भैरव आए या गया आए आप उसे एक ही व्यक्ति समझिए। तो इसके जो चार उत्तर हैं वो भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पर सही उत्तर यह है कि गया पराए बैलों को के ऊपर अपना अधिक खर्च करना नहीं चाहता था, ये उसका सही उत्तर है। और अब प्रश्न ग्यारहवां आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और उसका उत्तर मैं आपको यहां से दूंगा कि हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए उन्होंने प्रताड़ना भी सही, उसके लिए उनको कष्ट भी उठाना पड़ा, दंड भी मिला, पर उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहज जो विचार हम करते हैं वो इस तरह से हैं कि प्रत्येक प्राणी को, चाहे वो पशु हो चाहे वो मनुष्य हो, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा हो तो उसको अन्याय का प्रतिरोध अवश्य करना चाहिए। संभव है कि अन्याय का प्रतिरोध करते हुए बदले में प्रताड़ना सहनी पड़े सॉरी और उसका दंड भी मिले, शारीरिक यातनाएं भी मिले, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। और अब प्रश्न बारहवां आपके सामने स्क्रीन पर और उसका उत्तर मैं आपको यहां से देता हूं। उत्तर है हां, असल में यह कहानी पशुओं की स्वतंत्रता की कहानी कम है, वह भारतीयों को
तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर जब अंग्रेज इस देश को गुलाम बनाए हुए थे, यह प्रेरणा देने के लिए यह कहानी लिखी गई कि आप भी अपनी स्वाधीनता के लिए अपने ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ मिलकर एकता के साथ संघर्ष कीजिए और बदले में मिलने वाली तकलीफों और कष्टों का बिल्कुल भी किसी तरह का अफसोस मत कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत। और अब प्रश्न 13, इसमें एक वाक्य आया है, बस इतना ही काफी है फिर भी मैं जोर लगाता हूं। इसमें ही और भी जो वाक्यों पर आए हैं उनको निपात कहते हैं। तो कहानी में ऐसे ऐसे पांच वाक्य हमको छांटने हैं जहां पर निपात का प्रयोग हुआ हो, तो चलिए छांटते हैं। उत्तर इस तरह है, पहला है, छाया भी न दिखाई देगी। यह भी निपात आया है। छोटे भाई और भी हैं फिर भी आया है। उससे कम ही गधा है ही आया है ना, बैल उससे कम ही गधे हैं, मतलब कम नालायक हैं, कम बुद्धिमान हैं। फिर चौथा है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया। इसमें भी ही आया है। और पांचवा है, दोस्तों में मित्रता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसमें भी ही निपात आया है। तो इस तरह पांच वाक्य हमें छांटे थे। और अब प्रश्न 14 देखते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। अब इसमें रचना के आधार पर उपवाक्यों को छांट कर लिखना है और उनके भेद बताना है। तो उत्तर यहां से मैं बता रहा हूं, बेहतर होगा कि हम यहां पर वाक्य के व्याकरण के विषय में भी थोड़ा सा जान लें। हमने व्याकरण वाले वीडियो में विस्तार से इस पर पहले चर्चा कर ली है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, परंतु यहां भी हम संक्षेप में उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं क्योंकि इस समय उसका संदर्भ है, यहीं पर बताना सबसे आवश्यक है, तो उसे यहां भी जान लें। और विस्तार से जानने के लिए हमारा व्याकरण वाला वीडियो आप देखिए। देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक को कहते हैं उद्देश्य और दूसरे को कहते हैं विधेय। अब हम जान लेते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। तो वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा हो वह वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। यही वाक्य का कर्ता भी होता है, उसके द्वारा प्रस्तुत विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फिर से इसको देख लीजिए, इसको एक बार और समझ सकते हैं कि जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा है वह उद्देश्य है और वही वाक्य का कर्ता है, और उसमें जो भी विशेषण का प्रयोग वाक्य में हुआ हो वह उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा। अब यह भी जान लेना ठीक होगा कि विधेय किसे कहते हैं। तो कर्ता यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। इस पाठ में दिए हुए प्रश्न को अब हम हल करते हैं। का, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। अब उसमें जानना कि यह कैसा वाक्य है, तो उत्तर है कि यह एक मिश्र वाक्य है। यहां दीवार जानवरों के बारे में कहा जा रहा है, दीवार के बारे में और जानवरों के बारे में, इसलिए दीवार और सभी जानवर उद्देश्य हो गए। गिरना और चेत उठना जो है वो कर्ता के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए ये दोनों ही विधेय हैं। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। खा, सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। सॉरी। उत्तर इसका इस तरह है
कि यह भी एक मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और दो उपवाक्य हैं। सहसा एक दढ़ियल आदमी, ये प्रधान उपवाक्य हुआ क्योंकि इसके बारे में ही खास तौर पर कहा जा रहा है। फिर इसके दो उपवाक्य हैं, जिसकी आंखें लाल थी मुख अत्यंत कठोर था। तो पहला है जिसकी आंखें लाल थी और दूसरा उपवाक्य है जिसकी मुद्रा अत्यंत कठोर थी। तो इस तरह से हम इसमें ये देखते हैं। फिर इसी का आगे है ग, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। तो इसके उत्तर में हम कहेंगे हीरा ने जो कहा इतना हिस्सा उद्देश्य है और घर से नाहक भागे ये विधेय है। फिर घा मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। उत्तर है इसका कि यह एक संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें दो सरल वाक्यों को एक योजक तो के द्वारा जोड़ दिया गया है। जो तो शब्द आया है वो योजक है, योजक यानी जोड़ने वाला। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, तो दो सरल वाक्य हैं, एक योजक से दोनों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया गया। फिर इसी का इंगा, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। इसमें क्या है हम देखते हैं, तो उत्तर यह भी एक मिश्र वाक्य है। अगर वह मुझे पकड़ता ये प्रधान उपवाक्य है और मैं बेमारे न छोड़ता यह उसका आश्रित उपवाक्य है। पहले वाक्य पर यह दूसरा उपवाक्य जो है वो आश्रित है क्योंकि ये उसके पहले वाले के समर्थन में कहा गया है। अगर पहला वाला वाक्य नहीं कहा जाएगा तो दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहला प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित। और अब प्रश्न 15, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर है हमने 5 मुहावरे छाटे हैं आपके लिए। पहला है जी तोड़कर काम करना, इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना। वाक्य बना सकते हैं कि मजदूरों को भीषण गर्मी में भी जी तोड़कर काम करना पड़ता है। फिर दूसरा वाक्य हमने, दूसरा मुहावरा हमने लिया है बछिया के ताऊ होना। बछिया का ताऊ मतलब बैल। तो अगर हम किसी आदमी को बेवकूफ कहना चाहें, मूर्ख कहना चाहें, तो मुहावरे में कह सकते हैं कि आप तो बछिया के ताऊ हैं। तो ये एक तरह का व्यंग्यात्मक वाक्य है जिसका अर्थ है बैल की तरह बेवकूफ होना, मूर्ख होना। इसका एक वाक्य बना सकते हैं कि कुछ लोग अक्ल से बछिया के ताऊ होते हैं। तीसरा मुहावरा हमने लिया है भाईचारा होना। भाईचारा होने का मतलब है कि आपस में आत्मीयता का संबंध होना। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की हमारे देश को बहुत आवश्यकता है। और एक और हमने लिया है दिल भारी होना, इसका अर्थ है किसी कारण से दुख पड़ जाना। दोस्त को दिल का दौरा पड़ने से मेरा भी दिल भारी हो गया, यानी हमें भी दुख लगा कि मेरा मित्र जो है इस गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। 5वां है गदगद होना, यानी प्रसन्न हो जाना। कुश्ती में भारतीय महिलाओं की विजय से देशवासियों का हृदय गदगद हो गया। तो यह थे प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों वाला हिस्सा। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में पैदा हुआ हो तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।